हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैर थ्री वन थ्री सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं आपके जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है Uh, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करंट एनर्जीज़ हैं उनकी एंड प्लस वो आपके लिए करंटली फील कैसा कर रहे हैं लास्ट में उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि लाइक like वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं क्या वो नेक्स्ट मूव ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं ठीक है रीडिंग आइस कोल है जनरल है फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स जो चैनल पर नहीं हुए हैं डोंट फॉर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिटीफ बेल पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है प्लीज़ चेक इट आउट एंड मुझे मेरे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग जो भी आपके पर्सन हैं चाहे इनके साथ आपका कोई लाइक आपका लव सीन है आपका रिलेशनशिप है किसी तरह की कोई सिचुएशनशिप है आपके हस्बैंड हैं आपकी वाइफ हैं जिनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है सेपरेशन चल रहा है या फिर आप यू you नो know, एक तरह से uh, लाइक टोटली नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है आप अपने फ्यूंसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं बट द पॉइंट इज अपने माइंड में आपने ये रखना है कि एनर्जीज आपसे रिलेट कर रही हैं तो डेफिनेटली आपकी ही रीडिंग है ओके यस सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट जोन में ब्लॉक सिचुएशन है सेपरेशन चल रहा है ब्रेकअप हो चुका है तो देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं थ्री टाइम्स उनका नेम रिपीट करें अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें लेट सी उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं किस एनर्जीज में हैं आप लोगों के पर्सन इस टाइम नो कॉन्टेक्ट जोन में वी हैव थर्टी नाइन एंड वी हैव फिफ्टी टू नंबर सेवन एंड नंबर ट्वेल्व एंड नंबर थ्री ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वी हैव फिफ्थ चक्र इट्स अ थर्ड चक्र एंड वी हैव गोडस ऑफ द मून पाइसिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है या yes, कुछ लोगों की तरफ से मुझे जेमिना एंड लिब्रा की एनर्जी आ रही है इस टाइम आपके जो गाइस ये पर्सन है उनकी करंट एनर्जी है लाइक विद द गोडज़ ऑफ द मून दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल सिचुएशन एक तो लग रहा है जैसे ये पर्सन इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा जो है अवेक्कन हो रहे हैं एंड सेकेंड थिंग इस पर्सन का जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है ठीक है लाइक फिफ्थ चाकड़ा इज ऑल अबाउट थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन करने के लिए ये पर्सन अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं बिकॉज एक तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि लग रहा है जैसे ये आपसे बात करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ नाइट टाइम में ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज आपसे कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं ये पर्सन बात करना चाहते हैं आप लोगों से इनकी करंट एनर्जीज आपसे कम्युनिकेशन करने की। अबाउट यू एंड टॉक टू यू हो सकता है ये पर्सन खुद से ही आप लोगों के बारे में बात करते हैं यू नो सेल्फ टॉक। एंड देन वी हैव है नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन दिस पर्सन फील्स के इस टाइम ये पर्सन जो है जैसे टोटली totally एम्पटी है कुछ लोगों की तरफ से अगर बात की जाए फैनन्सिस को लेकर तो हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लाइक लाइक बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है या फिर इनके पास कुछ भी नहीं है हो सकता है इनको फिनेंशियली किसी तरह से लॉस हुआ है ये एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो मूड स्विंग्स में जा रहे हैं लाइक like इमोशनली आपके पर्सन स्टेबल बिल्कुल भी नहीं मुझे दिख रहे इनको लगता है कि इनका जो अभी सिचुएशन है फ्रेंसिस के अकॉर्डिंग वो टोटली खाली है कुछ भी नहीं रहा इस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इमोशनल ही हैं इस पर्सन के जो लाइक इमोशंस हैं इस पर्सन के जिनको के ये पर्सन सेटल करना चाहते है। yeah, 13, हैं हम्म या नंबर फोर एंड थर्टीन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे थर्टी टू ट्वेंटी थ्री भी इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से मुझे फोर्टी सेवन एज की बी एनर्जी आ रही है फिर को कैप्रिकॉन भी इनका स्टार साइन हो सकता है लेट्स सी आप देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स ये हो गई आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड लेट्स सी के उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है आपका ब्रेकअप हो चुका है वो करंटली आपके लिए इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों को लेकर देर इज़ अ लॉट सो मैं ये नहीं लूँगी क्या है करंट फीलिंग्स व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ओके वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड इट्स अ चैरियट देन वी हैव नंबर वन इट्स अ मैजिशियन एंड लास्ट वी हैव टेन अवॉर्ड्स नंबर टू वन सेवन टेन डबल वन एलेवन इलेवन ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं नंबर टू इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी वन इस पर्सन की एज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इट्स आ एक्वेरियस कैंसर जैमिना एंड बिरगो एंड वी हैव एरिस लियो सेगेटेरियस ये स्टार्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं तो गाइज यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है दिस पर्सन इज इन सो मच प्रेशर आपको लेकर इस पर्सन के ऊपर एक स्ट्रेस है एक बर्डन है जिसको ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं विद अ पेज ऑफ स्वर्ड ऐसा लग रहा है ये पर्सन के ऊपर स्ट्रेस है ये आपको स्टॉक करते हैं जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है ना इस नो कॉन्टैक्ट जोन का आपसे बात जो ऑब्वियसली जो नहीं हो रही है करना चाहते हैं उस चीज का तो ये आपको स्टॉक करते हैं आपको स्पाइक करते हैं आपको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं फेसबुक पर या फिर आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर कि आप लोगों की प्रोफाइल वगैरह चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो आपके बारे में अपडेट लेने के लिए किसी ना किसी तरह से ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके क्या अपडेट्स हैं उस चीज को लेकर ये पर्सन आप पे नजर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे हेवली स्टॉक की एनर्जी दिख रही है ये पर्सन इस टाइम आपके जो है अपना प्रेशर स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको इस नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको छोड़ के टेंशन हो रही है जिस भी रीजन से आपका नो no कॉन्टैक्ट हुआ है या फिर आपका कनेक्शन इस टाइम ब्रेकअप वाली सिचुएशन में चल रहा है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से कोई मौका तलाश करना चाह रहे हैं कोई ना कोई ऐसा बहाना तलाश करना चाह रहे हैं कि ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें आपको मैसेज कर पाए क्योंकि ये मैसेज करना चाहते हैं और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपके बारे में किसी से गोसिफ भी करते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर आपने इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइक like, ब्लॉक कर दिया हुआ है तो ये आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन किसी और से लेते हैं गोसिप करते हैं किसी और से बिकॉज वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव इट्स चैरियट एनर्जी ये आपसे बात करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड सेकंड ये पर्सन डेफिनेटली uh, आपके साथ सब सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं इस ब्रेकअप को एंड करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं और ये मूव लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने फैसले के ऊपर ये पर्सन जो लाइक like, इसने मूव लेना है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि इन्होंने आपकी तरफ आना है आपसे बात करनी है उस चीज़ पर ये पर्सन पूरा पक्का है कि इसने आपकी तरफ आना है और आपसे बात करनी है आप किस तरह से बात करनी है उसके बारे में ये पर्सन प्लान कर रहे हैं ठीक है आई uh, थिंक हो सकता है uh, ये किसी ना किसी तरह से uh, आपको कोई मैनिपलेट कर सकते हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ आप अपनी बातों में लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप लोग दोबारा से इस पर्सन से बात करो क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको मैसेज करेंगे बिकॉज दे रियली वन टॉक टू यू विद चक्रा

लेकिन ये आना चाहते हैं क्योंकि दिस पर्सन इज डिटर्मिन कि इन्होंने आना है फैसला कर चुके हैं ये बिकॉज दे रियली मन चेंज द सिचुएशन आपके दरमियान जो भी हालात चल रहे हैं जिस तरह की भी कोई सिचुएशन चल रही है ये उसको चेंज करना चाहते हैं और जिस तरह के भी कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के दरमियान ये उस चीज़ को भी खत्म कर देना चाहते हैं नाउ लेट्स सी बट आई थिंक आप लोग भी इस पर्सन को विजुअलाइज कर रहे हो यू यूगाज आर प्राइंग कि आपका इनके साथ कॉन्टेक्ट हो जाए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे तो लग रहा है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर गाइस सोच रहे हैं वी हैव टॉवर इट्स अ नंबर सिक्सटीन एंड सेवन ट्वेंटी सेवन इस पर्सन की एज भी हो सकती है एंड डबल सेवन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है सेवन इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ये रूल करता है हमारा केतु पे तो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड राइट नाउ आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है इस टाइम एंड ये चाह रहे हैं कि आपके दरमियान जो भी चीज़ें खराब हो चुकी हैं मतलब एवरी थिंग इज डिस्ट्रॉयड राइट नाउ बट ये उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि ये इनकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं ना बहुत बुरी तरह से चल रही हैं जिनको ये चाहते हैं कि उस प्रेशर को रिलीज़ किया जाए और आपसे बात की जाए बॉटम ऑफ द डैक एनर्जी है लवर्स नंबर सिक्स ट्वेंटी सिक्स इस पर्सन की एज हो सकती है अदरवाइज सिक्स लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है सिक्स वन सिक्स भी कुछ लोगों के लिए नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये पर्सन यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बिकॉज दे फील आपका एक स्परिचुअल कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा सेक्चुअली भी आप लोगों को लेकर फील कर रहे हैं एक अनर्जी ये आपको डेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आपको डेट करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों एक दूसरे को uh, इक्वली जो है वो प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ बहुत अटैचमेंट सी आप दोनों को फील हो रही है और आप म्यूचुअली एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो बट लवर्स चॉइसेस की बात भी करता है हो सकता है शायद इनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं लेकिन स्टिल ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करो और अगर इनके पास चॉइसेस हैं भी हैं तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं एक स्पिरिचुअली एंड फिजिकली कनेक्शन मुझे एंड सेक्चुअली कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन को आपके साथ फील हो रहा है दैट्स वाई वो यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ यस नंबर सिक्स स लवर्स एनर्जी लेकिन वो चाहते हैं कि म्यूचुअली आप दोनों जो हो ना इस कनेक्शन में ऑब्वियसली एफर्ट करो और इन्वेस्ट करो नो लेट सी बट मुझे लग रहा है विद टॉवर एंड विद द लवर्स ये पर्सन आपके साथ लाइक सडनली सरप्राइजली ये आपके साथ यूनियन करेंगे आपकी तरफ आएंगे अचानक से जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वी हैव डेजर्ट हिस्सा वी इन क्वेस्ट हो सकता है दिस पर्सन इज लिविंग इन दुबई और अजिप्ट और मस्कत बट डेजर्ट वाला एरिया कोई हो सकता है ये इंसान जहाँ पे रहता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम समरी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन का विज़न क्लियर है आप लोगों की तरफ आने का लेकिन डिस्टेंस है यहाँ पे आप दोनों के दरमियान वी हैव कैनो वो लैटिलिटी ये पर्सन इस टाइम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं इसके अंदर एक आग लगी हुई है इस पर्सन के अंदर एक होता है ना जैसे बड़ी डिस्टर्बेंस से चल रही है इस पर्सन की बॉडी में इस पर्सन की सोल में दिस पर्सन इज वेरी डिस्टर्बड बाय द वे इमोशनली एंड मेंटली और उनको लगता है कि ये चीज़ें इनकी तभी ठीक होंगी जब ये आपकी तरफ आएंगे इस पर्सन के अंदर एक आग सी लगी हुई है आतिशां जो होती है ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी तरफ आएंगे नहीं क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है तो ये फट पड़ेगा इंसान मतलब चीज़ें जो हैं वो इसके फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगी इसका अपना आप इसलिए दैट्स वाई दिस पर्सन रिली वांट्स यूनियन मुझे एरियसली ऑफ सेटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है जैमिना इज वेरी स्ट्रांग विगो इज वेरी स्ट्रांग कैंसर इज वेरी स्ट्रांग एरिस इज वेरी स्ट्रांग सेलिब्रेट दिस यूनियन ये आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी टाइम को अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं दरेलीवाना डांस विद यू हो सकते हैं आप दोनों दुबई से हो सकते हो यस yes. कुछ लोगों की तरफ से ऐसा लग रहा hmm? है जैसे कतर हम्म ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है बट देर इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज ऑल्सो आप दोनों हो सकता है गाइज यहाँ तो दुबई से हो या फिर दुबई में आप मिल सकते हो लेकिन ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को वी हैव लाइटनिंग एंड पावर इनको आप की तरफ जो है ना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन महसूस हो रहा है और इनको लगता है कि इनके अंदर जो इस टाइम आग लगी हुई है ना आप ही इस पर्सन की इस आग को लाइट कर सकते हो उस चीज़ को एक होता है ना ठंडा कर देना बहुत ही ज़्यादा लाइट कर देना एक लाइटर मोड में ले आना वो आप लेकर आ सकते हो लेट्स ही देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव नो कॉन्टेक्ट जोन व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नंबर थर्टीन एंड फोर काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है डबल फोर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इट्स अ वन थ्री एंड वन थ्री वन थ्री वन थ्री नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है सन की येस इट्स अ यूनियन गाइज डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आएंगे और आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे बिकॉज वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एस सन एनर्जी हैप्पीनेस इस पर्सन की आपसे जुड़ी है यस yes, और ये अपनी सोल को कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ आएंगे बिकॉज आपके पर्सन को लगता है जैसे आप इस पर्सन की सोल का एक मिसिंग पार्ट हो और जब तक ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे यूनियन नहीं करेंगे तब तक इस पर्सन की सोल कंप्लीट नहीं होगी तो सक्सेस प्रोग्रेस इस कनेक्शन में फाइनेशली अबंडेंस मुझे दिख रही है और इनको लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में अगर इस टाइम फिनेंशियली कोई क्राइसिस चल भी रहे हैं तो आप इस पर्सन को लाइक like, ऐसे ग्रोम कर सकते हो या फिर आपके लक से ये पर्सन अपने लाइफ में फिनंशली भी काफ़ी सेटल हो सकते हैं आप में से फीमेल हो सकता है बहुत सारे लोग या तो आप बिज़नेस करते हो या फिर आप वर्किंग लेडी हो ये एनर्जी भी दिख रही है दैट्स वाई भी इनको लगता है कि आपके साथ पार्टनरशिप कर कर भी सकते हैं आपके साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं आपको अपना बिज़नेस रन कर सकते हो बट मुझे लग रहा है ये पर्सन अपनी फैमिली को भी आप लोगों की तरफ ऑब्वियसली लेकर आएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है मुझे कंप्लीशन दिख रही है बिकॉज ये टेन टेन की एनर्जी है नंबर नाइनटीन एंड टेन इट्स अ लियो टोरस फिर इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर फोर्टीन एंड फोर्टी वन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट इट्स अ यूनियन गाइस इट्स अ हैप्पीनेस इट्स अ सेलिब्रेशन दिख रही है नेक्स्ट मूव में बट चांसेस मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव इस पर्सन के यहाँ तो टेन वीक्स या फिर टेन मंथ्स में हो सकते हैं नेक्स्ट मूव नेक्स्ट एक्शन और कुछ लोगों के लिए अगस्त में भी टाइमिंग हो सकती है या सो दिस योर रीडिंग आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में टिल देन टेक केयर बाय